गुड एवरी वन आज हम लोग को ई एम आई का एक्सरसाइज वन डिस्कस करना था तो एक्सरसाइज वन में चलो अब बताना स्टार्ट करो डाउट्स क्या क्या हैं क्वेश्चन नंबर थ्री थ्री देखते हैं अ स्मॉल सर्कुलर लूप ऑफ वायर इज प्लेस्ड इन साइड अ लॉन्ग सोलनॉइड कैरिंग अ करेंट प्लेन ऑफ लूप कंटेंस एक्सिस ऑफ द सोलनॉइड If the current in solenoid is varied, the current induced in the loop is. देखो इसमें थर्ड में ऐसा बोला गया है मान लो सोलनॉइड को आप सामने से देख रहे हो ना ये ऐसा सोलोनॉयड है आप इधर से देख रहे हो तो इसमें अंदर को या फिर बाहर को बी आ रहा होगा इसका यहाँ पे एक्सिस होगा ना परपेंडिकुलर टू ये और इसमें रिंग को ऐसे रखा गया है ना एक्सिस को कंटेन किया गया है ना इसका मतलब क्या हुआ सोलोनॉइड में ये एक्सिस ऐसे जा रहा तो इसी पे ऐसे रखा हुआ है जब ऐसे जाएगा ये तो इससे कोई फ्लक्स पास होगा यहाँ हो नहीं होगा ना तो अगर हम इस सोलोनॉयड का करंट वैरी भी कराएंगे तो बी चेंज होगा लेकिन फ्लक्स तो जीरो ही बना रहेगा ना समझो ना यहां पर एक्सिस के परपेंडिकुलर नहीं रखा गया एक्सिस उसके प्लेन में हां जो रिंग है उसका डायमीटर एक्सिस के लॉन्ग है ना तो फाइव जीरो है फाइव जीरो है तो इसलिए कोई भी ईएमएफ इंड्यूस नहीं हो पाएगा फिर नेक्स्ट फोर्थ हॉरिजेंटल सोलनॉयड इज कनेक्टेड टू अ बैटरी एंड अ स्विच कंड रिंग इज प्लेस्ड ऑन अ फ्रिक्शन लेस सर्फेस अच्छा ये डायग्राम दिया है <coughs> तो वो इसमें क्या होगा जब हमने ऐसे सोलनॉयड रखा और इसके पास में एक ऐसे रिंग रखी हुई है स्मूथ सरफेस पे तो जैसे हम स्विच क्लोज करेंगे इसमें करंट इंक्रीज होगी ना सोलनोइड में जो करंट होगी वो इंक्रीज होगी अगर करंट इंक्रीज होगी तो यहां से जो बी जा रहा होगा वो भी इंक्रीज होगा है कि नहीं तो अगर बी इंक्रीज होगा तो ये इसके पास जाना चाहेगा या दूर जाना चाहेगा इसका फ्लक्स चेंज होने लग गया फ्लक्स के चेंज होने का रीजन क्या है बी का इंक्रीज होना तो दूर जाएगा तब ना इसका फ्लक्स कम हो पाएगा ठीक है समझो ना क्योंकि पास जाएगा तब तो और फ्लक्स पड़ेगा फ्लक्स यहाँ बी का इंक्रीज होना मतलब फ्लक्स का इंक्रीज होना रीजन है ई एम इंड्यूस होने का तो ये दूर जाएगा तब जाकर के वो फ्लक्स को कम कर पाएगा ना तो सी ऑप्शन हो जाएगा रिंग यहां पे देखो ये जो सोलनाइट से बी आ रहा होगा उसके परपेंडिकुलर रखा हुआ है ऐसे रखा हुआ है कथन समझ रहे रिंग जो है वो मान ले स्क्रीन के परपेंडिकुलर रखा और बी जो है स्क्रीन के लॉन्ग जा रहा है फिर नेक्स्ट सिक्स Sixth में देखो क्या बोला गया है टू आइडेंटिकल को एक्सियल फिफ्थ भी है फिफ्थ देख लेते पहले टू आइडेंटिकल कंडक्टर पी क्यू आर प्लेस्ड ऑन फ्रिक्शन लेस फिक्सड कंडक्टिंग रेल्स पी क्यू फिक्स है ना अच्छा नहीं आर एस फिक्स है With the constant speed, then कॉन्स्टेंट स्पीड देखो यहाँ पर ये R और S अपनी जगह फिक्स है इन टू द प्लेन बी है अगर हम इसको इधर को मूव कराएंगे तो इसका दूर जाना ना इसके दूर जाने की वजह से यहां पर ई एम एफ डेवलप होगा ना तो जो ई एम एफ डेवलप होगा वो क्या करना चाहेगा ये एरिया बढ़ रहा है तो उसको कम करना चाहेगा कम करने के लिए ये जो रॉड है जो मूव कर सकता है वो किधर जानी चाहिए अगर इसके दूर जाने की वजह से इस लूप का एरिया बढ़ रहा है तो ई एम एफ इंड्यूस क्या करना चाहेगा एरिया कम करना चाहेगा वो कब होगा जब क्यू वाला भी इधर को मूव करे तभी ना ये एरिया कम हो पाएगा ये अगर इधर जाएगा तो एरिया और बढ़ेगा ना ना आप ऐसे भी सोच के कर सकते हो कि जब ये इधर जाएगा तो ऐसे ईएमएफ इंड्यूस होगा होगा तो ऐसे करंट जाएगी अब इस करंट के वजह से एल क्रॉस बी करोगे तो इधर को फोर्स लगेगा बट उतना करने की जगह आपको सीधे समझना चाहिए कि रीजन क्या है रीजन है इस एरिया का बढ़ना तो ई एम इंड्यूस एरिया को कम करना चाहेगा मतलब ये क्यू इधर जाएगा तब एरिया कम होगा ना तो क्यू विल बी अट्रैक्टेड टूवर्ड्स पी हो जाएगा इसका आंसर देखो, टू आइडेंटिकल कोएक्सियल सर्कुलर लूप कैरिंग करेंट आए इच सर्कुलेटिंग इन सेम डायरेक्शन इफ लूप अप्रोचेज इच अदर ये यहाँ पे दो कोएक्सियल सर्कुलर लूप्स है ना ऐसे लूप्स रखे हैं देखो यहाँ पर ये दोनों लूप में करंट का डायरेक्शन सेम है अगर करंट का डायरेक्शन सेम है तो अगर मान लो हम ऐसे देख रहे हैं तो इस साइड से नॉर्थ पोल दिख रहा है तो इसका भी इस साइड से क्या दिख रहा होगा नॉर्थ पोल तो मतलब इसके इस साइड क्या होगा साउथ पोल तो इसका नॉर्थ और साउथ सामने है ना समझो ना इसका नॉर्थ और साउथ सामने है तो ये एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे होंगे आप डायरेक्ट भी बोल सकते हो दोनों में करंट का डायरेक्शन सेम है मतलब पैरलर होती है पे अट्रैक्शन होता है ना हमने लॉन्ग वायर में भी देखा है ना सेम डायरेक्शन में करंट रहती है तो अट्रैक्ट करते हैं तो ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं अब अगर इनको पास ले जाओगे तो क्या होना चाहिए ये दूर जाना चाहेंगे या पास आना चाहेंगे अगर इनको आप पास ले जाना शुरू करोगे तो ये दूर जाना चाहेंगे दूर कब होगा जब करंट और बढ़ेगी या कम होगी करंट के करंट के वजह से तो ये अट्रैक्शन है तो करंट बढ़ेगी तो और अट्रैक्शन बढ़ेगा ना ये जो करंट है उसके वजह से भी कौन सा फोर्स लग रहा है अट्रैक्शन का फोर्स लग रहा है ना तो अगर हम इनको पास ले जा रहे हैं तो इस करेंट का क्या होना चाहिए करंट अगर बढ़ी तो अट्रैक्शन का फोर्स बढ़ेगा ना आपको कौन सा फोर्स बढ़ाना है अट्रैक्शन को कम करना है मतलब जब करंट कम होने लग जाए तब ना ये अट्रैक्शन कम होगा रिपल्सन आना चाहिए ना तो करंट इन ईच लूप विल डिक्रीज जब डिक्रीज होगा तब ऐसा हो पाएगा कि अट्रैक्शन कम होने लग जाए और बाद में रिपल्सन आ जाए सिख समझ लो सभी अबे आयुष देखो यहाँ पे इस करेंट के प्रोपोर्शनल है ना अट्रैक्शन का फोर्स अब अगर मैं पास लाऊंगा और करेंट बढ़ेगा अगर करंट बढ़ेगा तो अट्रैक्शन का फोर्स बढ़ेगा तो वो और पास आते जाएंगे तो, तो नहीं हुआ ना दूर ले जाना है ना अगर आप इनको पास ला रहे हो एक्सटर्नल फोर्स लगा करके तो ये करंट की वजह से एक दूसरे से दूर जाने चाहिए ना वो कब हो पाएगा अट्रैक्शन का फोर्स कम हो सेवन देखो अ मेटेलिक रिंग विथ अ स्मॉल कट इज हेल्ड वर्टिकली एंड अ मैग्नेट इज अलाउड टू फॉल वर्टिकली थ्रू द रिंग देन द एक्सलेशन ऑफ द मैग्नेट इज देखो आपको ऐसा बोला गया कि हमने एक रिंग लिया हुआ है और इसमें स्मॉल कट है स्मॉल कट है तो इसमें करेंट फ्लो हो पाएगा ना, इसमें करंट नहीं फ्लो हो पाएगा ना और इसके ऊपर से हमने एक मैग्नेट को ड्रॉप किया तो जब हम ड्रॉप करेंगे तो यहाँ करंट फ्लो ही नहीं हो पाएगा तो इस करंट के वजह से कोई अपोजिट में बी नहीं आ पाएगा जो इसको अपोज कर सके ना तो ये सीधे जी से ही गिरेगा एक बार इसका आंसर चेक कर लो सेवेंथ का जी है ना ठीक है अगर देखो यहाँ रिंग कंप्लीट होती और फिर मैं ड्रॉप करता ना तो अगर नॉर्थ पोल आ रहा है तो इसका साउथ पोल बनता और वो उसको अपोज करता ना और जब ये रिंग पूरी क्रॉस होके निकल जाती और मैग्नेट इधर चला जाता तो अब साउथ पोल दूर जा रहा होता तो इधर से नॉर्थ पोल बनता वो अट्रैक्ट करता तो हर टाइम पे वो अबे ये होल छोटा है लेकिन क्या करंट यहां से यहां कूद के जाएगी करंट को तो पूरा पाथ चाहिए ना कंडक्टर होगा तभी ना करंट जाएगी सर्किट में करंट कैसे फ्लो होगी बीस से वायर तूने कट कर दिया है बोल रहा है छोटा है कट है वहां पर ये यहाँ पे कट किया गया है ना ना अगर रिंग कंप्लीट होती तो जी से कम होता है ना अभी यहां पर एक्सलेशन जी के इक्वल है फिर नाइन्थ नाइन्थ में सोलनॉइड हैविंग एन आयरन कोर हैज इट्स टर्मिनल कनेक्टेड अक्रॉस एन आइडियल डीसी सोर्स एंड इट इज इन स्टेडी स्टेट देखो ये अभी आप पढ़ोगे जो परमानेंट मैग्नेट वाला चैप्टर पढ़ाऊंगा उसमें कि जब हम कोई भी आयरन का मटेरियल इसके सोलोनोइड के अंदर रख देते हैं तो ये भी मैग्नेटाइज हो जाता है ना तो इसकी भी मैग्नेटिक फील्ड आ जाती है आयरन का आयरन भी एक मैग्नेट बन जाता है ना सोलनोइड का एक मैग्नेट है ना इलेक्ट्रो जिसको बोलते हैं और इसमें एक मिनट हेलो Also... हेलो तो देखो हम लोग यहां पर नाइन्थ वाले में हम लोग ये देख रहे हैं कि जब भी हम कोई मैग्नेट के पास में आयरन ले जाते हैं तो वो भी मैग्नेटाइज हो जाता है ना वो भी मैग्नेट बन जाता है तो इसका मैग्नेटिक फील्ड आवाज आ रही है ना सभी को तो इसका मैग्नेटिक फील्ड और जो करेंट का मैग्नेटिक फील्ड है बन के यहाँ पे ज्यादा फ्लक्स जा रहा है ना अब अगर मैं इस मैग्नेट को रिमूव करूंगा तो अंदर का फ्लक्स कम होने लगेगा ना अगर मैं मैग्नेट को रिमूव करूंगा तो अंदर का फ्लक्स कम होगा ना तो करेंट अब बढ़ेगी तब करके वो फ्लक्स को कंपनसेट कर पाएगी ना जो करेंट कम हो रही मतलब बी कम हो रहा है उसको बढ़ाने के लिए करेंट को बढ़ना पड़ेगा ठीक है समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं हमेशा जो आयरन होता है वो जिधर को मैग्नेटिक फील्ड है उसमें अगर आप रखोगे तो उसका खुद का भी मैग्नेटिक फील्ड उसी डायरेक्शन में आ जाता है ना वो अब वो कोई परमानेंट मैग्नेट नहीं होता मैग्नेटिक फील्ड में रखने पे मैग्नेट बन जाता है तो इसको हटाया तो अब इसकी वजह से फ्लक्स कम हो रहा है ना तो इसलिए करंट बढ़ेगी तब फ्लक्स बढ़ पाएगा नेक्स्ट ट्वेल्थ देखो ट्वेल्थ में देखो क्या है टू जोमेट्रिकली आइडेंटिकल साइकिल व्हील्स

साइकिल उसमें स्पोक्स है। जब आप इसको परपेंडिकुलर बी में घुमाओगे ओमेगा से तो इसका हर एक स्पोक क्या बन जाएगा? एक मैग्नेट बन जाएगा ना, ना? वी क्रॉस बी करोगे तो ऐसे एक सॉरी एक बैटरी बन जाएगी ना हर एक में ई एम एफ इंड्यूस हो जाएगा और हर एक जो है वो दो सेम पॉइंट के क्रॉस कनेक्टेड है इन स्पोक्स का कोई इंटरनल रेसिस्टेंस नहीं दिया है जब आप इनको सेम पॉइंट के बीच में ऐसे कनेक्ट कर रखे हो मतलब ये पैरलर में कनेक्टेड है ना ये पॉइंट पॉइंट और ये सेम लोगे क्योंकि प्लेन वायर से कनेक्टेड है ये सेंटर हुआ तो अगर पैरलर में बैटरी लगे होंगे तो उनका इक्विवेलेंट ईएमएफ तो सेम आता है ना याद है ई वन बाय आर वन ई टू बाई आर टू अपॉन वन बाय आर वन प्लस वन बाय आर टू अगर ई वन ई टू कॉमन कर दे वन ई टू सेम है ना यहाँ पर सब में सेम ईएमएफ डेवलप हुआ है तो ये अगर ई वन ई टू कुछ इक्वल है ई के तो क्यू कितना आएगा यहाँ पे ई e आ जाएगा ना जब पैरलर में लगे होते हैं तो सब में सेम आएगा ना और इनका कोई इंटरनल रेसिस्टेंस दिया नहीं है तो हम यही मानेंगे कि वो करीब टेंडिंग टू जीरो है तो इन सबको हटा के आप एक ही बैटरी लगा सकते हो अब फिर यहाँ पे एक रेजिस्टर कनेक्ट किया गया है तो इन दो पॉइंट के बीच का ई कहीं से भी निकालो तो ई e आएगा ना तो ई बायर करेंट फ्लोर होगी नंबर ऑफ यहां पे कोई मतलब नहीं रहता तो डी ऑप्शन आएगा विल बी इक्वल इन बोथ व्हील्स कुछ समझ आ रहा है ट्वेल्थ में क्या बोल रहा हूं मैं व्हील की जगह एक डिस्क ले लू अगर डिस्क और उसको घुमाऊ तो उसमें भी बहुत सारे आप ऐसे लाइन्स इमेजिन कर सकते हो डिस्क में तो भी आप अगर निकालोगे यहां और यहाँ के बीच में ई डिफरेंस तो बस एक लाइन लेकर के उससे निकालोगे फिर नेक्स्ट कौन सा है थर्टीन आज तो लग रहा है सब सॉल्व करा के रहोगे तुम लोग थर्टीन देखो क्या है अ वेरी स्मॉल सर्कुलर लूप ऑफ एरिया दिस एंड रेसिस्टेंस दिस इज इनिशियली कॉन्सेंट्रिक एंड कोप्लेनर प्लेनर विथ स्टेशनरी लूप ऑफ रेडियस दिस इफ वन एम्पियर करंट पास थ्रू द बिगर लूप and a smaller loop is rotated about its diameter with angular velocity omega the current induced in the smaller loop will be देखो तो ये बोला गया है 13th में एक हमने बड़ा सर्कुलर लूप लिया और इसके सेंटर पे एक छोटा लूप रख दिया ना छोटे लूप का रेडियस देखो तो ये मान लो आर वन है ये इसको r लिख देता हूं और ये कैपिटल r है r की वैल्यू बहुत कम है फाइव इंटू टेन के पावर माइनस फोर एस आई यूनिट में मीटर में है और इसका पॉइंट वन मीटर है और इससे फिर हमने वन एम्पियर की करंट पास कराई तो ये अपने डायमीटर के अबाउट ओमेगा से घूम गया ना अच्छा ये एरिया दिया है क्या अच्छा अच्छा ओके okay. ये एरिया की वैल्यू दी हुई है सीधे तो हमें स्मॉलर लूप में कितना करंट इंड्यूस हुआ है, ये बताना है देखो यहां पे जब हमने करंट लाई तो यहां पे अचानक से बी आया ना बी आया तो इसके फ्लक्स में चेंज आया अगर यहाँ पे फ्लक्स मान तो ये मान लो b into, जो भी इसका एरिया है ये कुछ a ना b इंटू ए इसमें फ्लक्स है और जैसे हमने करंट को ऑन किया है तुरंत ये b चेंज हुआ शुरू में ये b जीरो था ना शुरू में फ्लक्स जीरो था जैसे करंट ऑन किया अचानक से b इंटू ए आया मतलब यहाँ फ्लक्स में चेंज हुआ है जीरो से कुछ फ्लक्स आ गया तो डी फाइव इक्वल टू हम क्या लिखेंगे ए इंटू डी बी अब जैसे अचानक से बी आएगा यहाँ पे अचानक से ई एम एफ डेवलप हुआ ई एम एफ डेवलप हुआ तो करेंट आई ना तो ये करेंट कैरिंग लूप बन गया करेंट कैरिंग लूप जब मैग्नेट इसके मैग्नेटिक फील्ड में आएगा तो रोटेट करेगा ना तो करेंट कैरिंग लूप जो होगा उसका मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट कितना होगा एन आई ए इसमें कुछ एम आ गया और इसके बी में है वो तो वहां पे टॉर्क कितना लगेगा एन आई ए और अभी देखोगे बी और ए का डायरेक्शन अगर आप देखोगे तो ये तो डायरेक्शन तो इनका पैरलर आ रहा है एक बार लूप का प्लेन क्या है कॉन्सेंट्रिक एंड को प्लेनर कॉन्सेंट्रिक एंड टॉर कैसे लग पाएगा फिर नहीं वो कैलकुलेशन तो कर लेंगे बट टॉर का डायरेक्शन क्लियर नहीं है ये जो दिया हुआ है उस हिसाब से बिगर लो स्मॉलर अच्छा अच्छा इसमें ये बोला गया है अच्छा अच्छा इसमें ये बोला गया है ना यहाँ पे ये जो यहाँ पे करंट पास कराई गई है और इसको ओमेगा से घुमाना शुरू कर दिए हैं ना ये मैग्नेटिक फील्ड की वजह से नहीं घुमा इसको आप घुमा रहे हो कांस्टेंट ओमेगा से हाँ इसमें क्वेश्चन में एक्सटर्नल एजेंट इसको घुमा रहा है और यहाँ पे करेंट पास किया है तो फिर तो इसमें कुछ हो रहा है ही नहीं ना फिर तो अब इसमें क्या ही है कोई भी टाइम पर आप देखोगे तो जैसे इसका मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा इसके प्लेन के परपेंडिकुलर है और इसके मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट का डायरेक्शन भी देखोगे तो इसके परपेंडिकुलर आएगा तो शुरू में एंगल जीरो है जब थीटा घुमाओगे तो बाद में एंगल कितना हो जाएगा बी ए यहाँ पे कुछ ये ओमेगा टी एंगल आ जाएगा करंट यहाँ पे आपने पास कराई उसकी वजह से यहां पे बी लिख दोगे एरिया दिया है आपको ना आपको एरिया दिया ही हुआ है तो बस अब आप अब अब इसको डिफ्रेंशिएट कर दो ई एम एफ इंड्यूस निकालना है तो डी फाइव बाई डी टी इसका कोई रेसिस्टेंस दिया है क्या इसका लूप का रेसिस्टेंस इस लूप का रेसिस्टेंस दिया हुआ है टू ओम ना तो अब ई एम एफ इंड्यूस आ गया तो करंट बोल सकते हो बी ए एमेगा में टू इंटू कॉस ओमेगा टी ना वैल्यू डाल दो अच्छा अच्छा हाँ हाँ यार पहले मुझे लगा कि ये यहां अचानक से करंट आई है तो उसकी वजह से ये घूम गया है पहले मुझे लगा ये कोई घुमा रहा है ऐसा नहीं है कुछ मैं अलग ही सोच लिया था हाँ मैं कभी नहीं ये तो सिंपल सा क्वेश्चन था कि यहाँ से करंट पास करा रहे हैं और इसको घुमा रहे हैं तो इसमें करंट इंड्यूस बताओ तो इसके वजह से बी लिखो बी इन टू ए फ्लक्स हो जाएगा फ्लक्स आ गया तो डिफ्रेंशिएट करो ईएमएफ आया ईएमएफ अपॉन में आर कर दिया तो करंट आ गई थर्टीन थे हो गया क्लियर ना नेक्स्ट फोर्टीन टू को एक्सियल सोलनाइट सोन इन फिगर इफ की ऑफ प्राइमरी सडनली ओपन देन डायरेक्शन ऑफ इंस्टेंटेनियस इंड्यूस करेंट इन रेसिस्टेंस आर विच कनेक्टेड इन द सेकेंडरी तो गो इसमें ये बोला गया है एक ऐसे सोलोनॉइड लिया गया और ये एक बैटरी से कनेक्ट की गई है और यहाँ पे एक सोलोनॉइड लिया गया है और यहाँ पे हमने एक रेसिस्टर से कनेक्ट किया है इसमें देखो एक चीज ये ध्यान रखो कि अगर इसमें इधर को करंट गई तो इसका बाइंडिंग देख रो ये ऊपर से गया है और अंदर से घूम के आया है यहाँ पे जो बाइंडिंग दिखाई गई है ये पहले इधर से आया फिर अंदर से घूम करके आया है फिर ऐसे चल रहा है थोड़ा अलग सा बाइंडिंग दिखाया एक मिनट ऐसा कुछ दिखाया हुआ है ऐसे ना मतलब ये करंट आ रही है और अंदर से जा रही है और जबकि इधर को जब दिखाया गया इसमें वाइंडिंग तो इसमें अंदर से आ रहा है और इधर से जा रहा है ऐसे मतलब अगर इसमें इधर से करंट जाएगी तो इसमें जो डायरेक्शन होगा और इसमें इधर से करंट आएगी तो इसमें जो डायरेक्शन होगा दोनों में अलग अलग होगा ना बात सबको समझ आ रही है अगर दोनों में यहां पे करेंट का डायरेक्शन सेम है तो यहां पे दोनों में रिंग में करेंट का डायरेक्शन अपोजिट दिखेगा तो अब इसके अकॉर्डिंग हम लोग अब यहां पे सोचेंगे यहां पे देखो शुरू में इसमें करंट जा रही थी और यहां पे कोई स्विच था ना अगर शुरू में यहां पे करंट जा रही थी तो इसका कुछ मैग्नेटिक फील्ड आया होगा ना जो कि यहां पे अगर ऐसे करंट जा रही है तो इसका मतलब ये जो बी आया होगा कुछ ऐसे आया होगा ना इस रिंग का अगर आप देखोगे अगर करंट एक रिंग में ऐसे जा रही है ना अगर ऐसे जा रही है ना तो करंट के डायरेक्शन में फिंगर कल कर करो इसका बी इधर को जा रहा होगा तो ऐसा कुछ बी होगा तो इधर भी बी वही वही वाला आया होगा है कि नहीं और अभी करंट यहाँ कांस्टेंट है ना तो इसमें एक कांस्टेंट बी जा रहा है फिर जैसे मैं स्विच को क्लोज करूंगा जैसे मैं स्विच को क्लोज करूंगा तो इसमें क्या होगा ई एम एफ फ्लक्स में चेंज आएगा मतलब ई एम एफ आएगा ना तो वो किस डायरेक्शन में आना चाहिए उसका मैग्नेटिक फील्ड भी इधर को होना चाहिए ना तो अब आप समझो अगर मैं जैसे इसमें करेंट वैसे इसमें करंट लाऊं तो क्या इसमें आएगा उसी डायरेक्शन में भी इसमें तो अब अपोजिट में फ्लो होगा ना तो अपोजिट में करंट फ्लो कराऊंगा तब इसका करंट का और बी मैच करेगा इससे समझो ना इसका करंट और इसका करंट अपोजिट होगा तब दोनों में बी का डायरेक्शन मैच करेगा हमें इधर को बी चाहिए ना बी कम हो रहा है तो इधर को बी चाहिए तो अब ऐसे करंट फ्लो कराऊंगा तब जाकर के ये हो पाएगा यहां पर अब ऐसे लूप रखा है ना तो इसका आंसर हो जाएगा एल टू एन समझ आया सभी को नेक्स्ट सेवेंटींथ सेवनटींथ में बोला गया है कि वन क्वाइल ऑफ रेसिस्टेंस फोर्टी ओम इज कनेक्टेड टू ए गैलमोमीटर ऑफ वन सिक्सटी ओम रेसिस्टेंस क्वाइल का रेडियस दिया है टर्न दिया है इफ दिस क्वाइल इज प्लेस्ड बिटवीन द पोल्स ऑफ ए मैग्नेट सच दैट मैग्नेटिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू क्वाइल एंड क्वाइल इज ड्रैक्ड आउट then the charge through the galvanometer is तो इसमें देखो आपको ये बोल दिया गया है कि एक हमने क्वाइल लिया हुआ है और एक गैल्वनोमीटर लगा है ना आपने कोई क्वाइल लिया उसमें कई सारे टर्न्स हैं फिर सबको ले जा करके आपने गैलमोनोमीटर से पास कराया ना तो टोटल क्वाइल प्लस गैल्वनोमीटर का रेसिस्टेंस कितना हो जाएगा यहाँ पे कई सारे क्वाइल है और सबसे सेम करेंट पास होगी ना वही करेंट गैल्वनोमीटर से भी पास होगी ना, समझो यहां पर जो एक क्वाइल से करंट पास होगी वही गैल्वेनोमीटर से भी पास होगी तो अगर इसका रेसिस्टेंस कुछ दिया है आर वन इसका रेसिस्टेंस आर टू तो पूरे इस सर्किट का रेसिस्टेंस कितना हो जाएगा आर वन प्लस आर टू ना जो भी करंट जाएगी पूरे सर्किट में सेम जाएगी ना सीरीज में सबको लेंगे हम तो टोटल आर आ जाएगा टोटल आर कितना हो गया है टोटल क्वाइल का रेसिस्टेंस है फोर्टी ओम और जो रेसिस्टेंस लगाया है उसका रेसिस्टेंस है तो का 160 तो टोटल 200 ओम का रेसिस्टेंस आ गया और इसको हमने कोई मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है ना मान लो परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड है फिर हमने इसको खींच लिया वहां से तो इसके फ्लक्स में चेंज आएगा चेंज इन फ्लक्स अपॉन में फ्लक्सेंस ये क्या होता है चार्ज पास्ट तो आपको क्यू की वैल्यू दी है आर की वैल्यू दी है और फ्लक्स में चेंज फ्लक्स में चेंज कितना है होगा शुरू में बी इंटू ए होगा बाद में जीरो हो गया होगा शुरू में बी इंटू ए होगा बाद में जीरो तो चेंज अभी केवल मैग्नीट्यूड हम लोग देख रहे हैं ना चार्ज दिया है रेसिस्टेंस टोटल निकाल लिया है आपने एरिया निकाल लोगे आप लूप का ना यहाँ पे एन बी ए लगाना ना एन टर्न्स है ना एक लूप की वजह से अगर बी इंटू ए है तो एन टर्न्स की वजह से एन बी ए होगा एन दिया है ए दिया है आर दिया बी की वैल्यू पूछी गई है हो जाएगा सेवनटींथ समझ आया क्या सेवेंटींथ ट्वेंटी टू ट्वेंटी टू देखो एन इलेक्ट्रॉन इज मूविंग इन अ सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ रेडियस आर

बड़े वाले लूप का रेडियस कैपिटल आर है तो यहाँ पे ई कितना डेवलप होगा तो आपको एक मूविंग चार्ज की वजह से आर डिस्टेंस पे बी लिखने का फॉर्मूला याद है ना बी इक्वल टू क्या होता था, था? म्यू नॉट बाई फोर पाई क्यू वी साइन थीटा साइन थीटा कितना आएगा वी इधर है थीटा आर इधर है तो ये साइन थीटा वन हो जाएगा क्यू वी साइन थीटा बाई आर तो ये बी हमने यहाँ पे लिख लिया और ये लगातार वी चेंज हो रहा है ना जैसे जैसे वो सर्कल में जा रहा है वी लगातार चेंज हो रहा है ना और जब ये ऐसे सर्कुलर लूप में जाएगा तो एक तरह से ऐसे करंट फ्लो हो रही है तो बी आप यहाँ देखोगे तो इसके परपेंडिकुलर ही आएगा अगर इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है तो करंट इधर फ्लो हो रही है अगर करंट ऐसे फ्लो होगी तो ऐसे फिंगर राइट हैंड की कल करो ना इन टू द प्लेन यहाँ पे बी है और स्पीड कोई भी टाइम पे कितना बोलोगे आर ओमेगा ना इसको आर ओमेगा बोलोगे और ओमेगा को क्या बोलोगे ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी ओमेगा अल्फ नॉट कुछ नहीं दिया है तो जीरो ले लो हालांकि वो, वो डिफ्रेंशिएट करना है उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी तो ये बी आ गया तो फ्लक्स लिख सकते हो इन टू पाई आर स्क्वायर आर में यहां पे कैपिटल आर लेना रहेगा ना रेडियस के लिए आर ओमेगा में ये वाला आर लगेगा ना ये फ्लक्स आ गया फ्लक्स आ गया तो आप इसको डिफरेंशियट कर दो ई एम एफ आ जाएगा ना ये जीरो हो जाएगा डिफरेंशिएशन में यहाँ अल्फा बचेगा हो जाएगा ई एम एफ इंड्यूस अब आ जाएगा करंट यहाँ हर टाइम पे चेंज हो रहा है ना तो ज्यादा बेटर है आप मूविंग चार्ज के वजह से बी लिखो और फिर करो उससे भी हो जाएगा बट वो थोड़ा सा सोचना अलग है वो एवरेज टाइप हम लोग ले रहे हैं जब हम लोग बिना अप्रोक्सीमेशन के कर सकते हैं तो वही करेंगे ना हाँ आ रहा होगा बट वो एक मतलब कंफ्यूजन वाली कंडीशन है उसमें करंट लगातार चेंज हो रही है तो वो मैच करेगा नहीं करेगा मतलब तुरंत बोल पाना डिफिकल्ट है थोड़ा उसको सॉल्व करके देखना पड़ेगा बेटर यही है कि हर टाइम पे वी पता है आपको क्यू के वजह से लिखो और डिफ्रेंशिएट करो ट्वेंटी फोर देखो अ मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू अ ट्वेंटी थ्री ट्वेंटी थ्री देखो पहले अ स्क्वायर लूप ऑफ टेन सेंटीमीटर साइड लाइज एट राइट एंगल टू द यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ ट्वेंटी टेस्टला यहाँ पे बल्ब बना हुआ है टेन वोल्ट लाइट बल्ब इज इन सीरीज विथ अ लूप ना इस ये बल्ब का रेटिंग में वोल्टेज दिया है टेन वोल्ट मैग्नेटिक फील्ड इज decreasing steadily to zero over a time interval delta t the bulb will shine with the full brightness if delta t is equal to देखो ये फुल ब्राइटनेस से कब साइन कर पाएगा ना जब यहां पे भी कितना ईएमएफ डेवलप हो 10 वोल्ट का ईएमएफ डेवलप हो लूप में ना तभी ये फुल ब्राइटनेस से साइन कर पाएगा तो आपको क्या दे दिया गया है ईएमएफ इंड्यूस की वैल्यू दे दी गई है हाँ तो आप यहाँ पे बराबर क्या करोगे डेल्टा फाइव बाई डेल्टा टी इसकी वैल्यू टेन वोल्ट दी है डेल्टा फाइव की वैल्यू बी इंटू ए कर लोगे ए दिया है बाद में जीरो हो जाना है ना ना तो इसी को सॉल्व कर दो बस हो जाएगा ट्वेंटी थ्री हो पाएगा क्या ट्वेंटी थ्री ट्वेंटी फोर देखो मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू अ स्टेशनरी लूप

तो यहां पे पूरे कैपिटल टी टाइम तक टोटल ड्यूरेशन का जो टाइम है वो कैपिटल टी है और इसको हम अब डिफरेंशिएट करके कोई भी टाइम पे ये निकाल सकते हैं कि ई एम एफ कितना आएगा तो कोई भी टाइम पे इतना ई एम एफ है तो ई एम एफ अपॉन में रेसिस्टेंस करेंगे तो करंट आ जाएगी और हमें क्या चाहिए टोटल हीट डेवलप्ड हीट डेवलप्ड क्या होगा आई स्क्वायर आर डी टी जीरो से टी तक आई की वैल्यू ये वाली यहाँ पे डाल दो इंटीग्रेट कर दो हो जाएगा ट्वेंटी एट देखो अब ट्वेंटी एट में देखो बोला गया है स्क्वायर लूप ऑफ साइड वन मीटर एंड रेसिस्टेंस वन ओम मैग्नेटिक फील्ड ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ लाइन पी क्यू है मैग् टूट दिस वर्कडन इन पुलिंग द लूप आउट ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड इन वन सेकेंड ना मैं वर्कडन पूछा गया है हमें वन सेकेंड में इसको पुल करना है ना वेदांत बहुत जल्दी तुझे पता चल गया आज डाउट है चार दिन पहले बताया था कि आज इस वीक केवल डाउट डिस्कशन होगा नेक्स्ट क्लास में एसी का एक्सरसाइज वन डिस्कस करना है ना नेक्स्ट वीक से अब वेब टॉपिक स्टार्ट करेंगे टू थ्री जो भी डाउट होंगे वो शाम को करना रहेगा ना रेगुलर क्लास में वन से ज्यादा नहीं कर सकते देखो यहाँ पे आपको इसको वन सेकेंड में अगर बाहर पुल करना है तो और वर्कडन पूछा है तो वर्कडन में हम लोग यही मानेंगे कि वो यूनिफॉर्मली लेके जा रहा है ना इन यूनिफॉर्मली हाँ इन वन सेकेंड मतलब ये कांस्टेंट स्पीड से जा रहा है तो स्पीड कितनी हो जाएगी ये लेंथ कवर करनी है वन मीटर की लेंथ कवर करनी है डिस्टेंस अपॉन में टाइम मतलब वन मीटर पर सेकेंड से हमें इसको बाहर ले जाना है ना वन मीटर पर सेकेंड से हमें बाहर ले जाना है तो अब हम यहाँ पर ये निकाल लेंगे कि कितनी करंट फ्लो होगी करंट कितनी फ्लो हो जाएगी यहाँ पे ये वाली साइड तो बाहर चली जाएगी इसके वजह से करंट फ्लो होगी तो करंट हो जाएगा बी वी एल अपॉन में इसका रेसिस्टेंस और इसका लूप का रेसिस्टेंस मान लो एक साइड का कुछ आ रहा है ना पूरे चारों साइड का मिला करके पूरे लूप का वन दिया है पूरे लूप का वन है तो एक साइड का वन बाई फोर ले लेंगे आदित्य स्पीड इक्वल टू होता है डिस्टेंस ओवर टाइम इसको इतनी डिस्टेंस कवर करनी है वन मीटर की डिस्टेंस कवर करनी है यूनिफॉर्मली और टाइम दिया है वन सेकेंड क्वेश्चन में दिया है तो हमने स्पीड ओवर टाइम लगाया तो ये स्पीड आ गई है तो अब देखो यहां पे जो भी ये वर्क करेगा वो सब कहा जाएगा स्पीड तो बढ़ा नहीं रहो आप जो भी वर्क कर रहे हो वो सब कहा जा रहा है इसमें करेंट फ्लो होगी तो हीट जनरेट हो रहा होगा उसमें जा रहा है ना तो आप डायरेक्ट वर्क डन बराबर बोल सकते हो आई स्क्वायर इंटू आर आर तो सबका लोगे ना सबका टोटल मिला करके टोटल फोर आर फोर आर की वैल्यू आपको दी हुई है ना वन ओम आय निकालो यहां डाल दो यहां पे डाल देते हैं अब कर लो आगे ना 28 सबको क्लियर है आई स्क्वायर आर लगाना है आपको सर एक डाउट था अभी देखो इस क्वेश्चन में मुझे एनर्जी समझो ना सब वाली देखो वर्क डन बाय एक्सटर्नल आपको हाँ देखो आपको यहाँ कांस्टेंट स्पीड से पुल करना है ना तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट जो होगा वो वाली एनर्जी कहाँ जाएगी इस पे मैग्नेटिक फील्ड अपोजिट में फोर्स लगा रहा होगा तो स्पीड इस इसलिए कभी भी बढ़ नहीं पाएगी सर ना लेकिन मैग्नेटिक फील्ड का वर्क जो होगा वो कौन इसमें आएगा कंजर्वेटिव में ना तो एक्सटर्नल एजेंट का नॉन कंजर्वेटिव में तो यहाँ पे जो एक्सटर्नल एजेंट है एक सेकेंड एक सेकेंड ये इसके लिए अगर हम देखें यहां पर तो यहाँ पे देखो जो एक्सटर्नल एजेंट वर्क कर रहा है जितना प्लस में उतना ही ये मैग्नेटिक फील्ड माइनस में वर्क कर रहा है मतलब ये एनर्जी दे रहा है ये ले रहा है और वो लेके उसको किसमें कन्वर्ट कर दे रहा है यहाँ पे इलेक्ट्रिकल एनर्जी में समझ पर तो जितनी भी इलेक्ट्रिकल एनर्जी आई वो कहां से आई है मैग्नेटिक फील्ड के वर्क से आई और वो कहां से आई है एक्सटर्नल एजेंट से आई है अच्छा समझो सर ना, क्योंकि दोनों का मिलकर नेटवर्क ड हमेशा कितना है जीरो वर्क एनर्जी थ्योरम लगाओगे तो कांस्टेंट स्पीड से आ रहा है तो जितना ये प्लस में करेगा उतना ही ये माइनस में कर रहा होगा दोनों का मिल के जीरो में करना मतलब ये एनर्जी दे रहा है माइनस में कर रहा है मतलब ये ले रहा है और ये लेके क्या करेगा उसको कन्वर्ट कर दे रहा है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में सर मतलब एक डाउट बाय बैटरी फोर्स तो ये चार ना है। नहीं लगी है ना ये बैटरी तो वही इंड्यूस हुआ वही वाला है ना मतलब नहीं 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 हाँ वो तो मैग्नेटिक फील्ड के वर्क में आया ना कि मैग्नेटिक फील्ड ने जो वर्क करके इलेक्ट्रिकल एनर्जी दी अच्छा और और रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस कौन सा वर्क कर रहा है अच्छा हाँ रहता तो नहीं रेजिस्टेंस है तो यहाँ रेजिस्टेंस तो है ही है लेकिन वो कौन सा वर्क करेगा वो थोड़ी कोई उसके अंदर बैटरी लगी है वो एनर्जी दे, दे देगा या ले लेगा मतलब उसको काउंट क्यों नहीं करेगा फिर रेसिस्टेंस के थ्रू कैसे वर्क होगा ये एक बार मुझे समझाओ i2r वो तो हीट जनरेट हुआ ना वो वर्क थोड़ी हुआ वर्क तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है ना अच्छा अच्छा हाँ वैसे समझा, वैसे समझाओ ओके मतलब समझ गया ओके तो मतलब इन शॉर्ट वो एक्सटर्नल वर्क जो भी काम करता है ना वो मैग्नेटिक फील्ड से कन्वर्ट कर देता है इलेक्ट्रिकल में हां इसने एनर्जी दी इसने कन्वर्ट करके इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट कर दी तो जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी आएगी i2r वो इसी के इक्वल आएगी

ना वो वर्क एनर्जी थे हमने डब्लू ऑल बराबर डेल्टा के से पहले हमने सोचा कि दोनों का वर्क इक्वल है फिर आगे की चलो नेक्स्ट अब कौन सा है थर्टी टू थर्टी टू थर्टी टू नहीं हो नहीं है ठीक है नेक्स्ट फिर ट्वेंटी नाइन ट्वेंटी नाइन देख लो पहले ए बी सी डी आर फिक्स कंडक्टिंग स्मूथ रेल्स प्लेस्ड इन वर्टिकल प्लेन ये वर्टिकल प्लेन में हो रहा है ना ये ध्यान रखना ए बी सी डी एंड ज्वाइन बाई अ कॉन्स्टेंट करेंट सोर्स एट इट्स अपर एंड और यहाँ पे हमने कुछ एक कॉन्स्टेंट करेंट सोर्स लगा दिया है अब वो कैसे वर्क कर रहा है इससे मतलब नहीं है बट ये कॉन्स्टेंट करेंट देगा बस हमें यह मतलब है पे. और पी क्यू इज ए कंडक्टिंग रॉड विच इज फ्री टू स्लाइड ऑन द रेल और यहाँ पे एक पी क्यू रॉड है जिसकी वजह से सर्किट कंप्लीट हो रहा होगा करेंट कॉन्स्टेंटली आई फ्लोर ही होगीफॉर्म हॉरिजॉन्टल ना अगर ये वर्टिकल प्लेन में और हॉरिजॉन्टल में मैग्नेटिक फील्ड है मतलब दोनों परपेंडिकुलर हैं। इफ द रॉट पी क्यू इज रिलीज फ्रॉम रेस्ट ना अगर हमने इसको रिलीज किया रेस्ट से तो अब यहाँ पे क्या होगा ना इसमें ध्यान रखना करंट को चेंज नहीं करा सकते क्योंकि बोल दिया गया क्वेश्चन में कि करंट का जो सोर्स है वो कांस्टेंट करंट ही देगा बाय बाई कांस्टेंट करंट सोर्स। तो अब जब ये नीचे को गिरेगा ना ऐसे करंट के वजह से तो इस पे फोर्स किधर को लग रहा होगा एल क्रॉस बी करोगे तो इसपे फोर्स ऊपर को लग रहा होगा ना और नीचे को एम जी लग रहा होगा और ऊपर को फोर्स कितना लग रहा है बी आई एल एक मिनट सोचने दो एक मिनट कांस्टेंट करंट सोर्स बोल दिया मतलब आई चेंज नहीं करा पाएंगे आई चेंज नहीं कराएंगे तो ये फोर्स भी कांस्टेंट ही हो जाएगा देखो यहाँ पे ये आई चेंज नहीं होगा ना सर्किट का आई चेंज नहीं हो सकता तो ये फोर्स क्या चेंज हो पाएगा इसका ये कितना भी फास्ट चले लेकिन यहाँ पे ई एम इंड्यूस हो रहा है लेकिन ई एम इंड्यूस होने के बाद भी ये करेंट नहीं चेंज हो पाएगी जब करंट चेंज नहीं होगी तो ये फोर्स चेंज नहीं होगा तो जो नेट फोर्स हमेशा रहेगा वो कितना रहेगा नीचे को एम जी माइनस बी आई एल है ना तो इसलिए यहां पर फिर टर्मिनल वेलोसिटी वाला चक्कर नहीं आ पाएगा ना तो ये कांस्टेंट से ही चलेगा एक बार इसका आंसर चेक करो सर वही है ये ऑप्शन आ जा रहा होगा समझ आया सबको हम लोगों ने देखो एक दो क्वेश्चन किया था तो तो और बी ना वो ऊपर भी तो जा सकता है एम जी से हाँ, बढ़ा हाँ वो भी जा सकता है क्योंकि बी आई एल में हो सकता है ये बढ़ाओ या ये बढ़ाओ कोई भी बड़ा हो सकता है हाँ, तो ए और भी दोनों ठीक है नेक्स्ट थर्टी थ्री उसका सिर्फ ऑप्शन देख लो एक बार हाँ हाँ देख लो थर्टी थ्री में है a conducting rod ab moves with a uniform velocity v in constant magnetic field देखो तो यहाँ पे करंट नहीं फ्लो हो पाएगी ना सर्किट कंप्लीट नहीं है तो यहाँ पे हीटिंग वगैरह की बात नहीं करेंगे पर इलेक्ट्रॉन जाएंगे ना ऊपर तो वो तो एक इंस्टेंट के लिए गए ना जब तक कांस्टेंटली करंट नहीं फ्लो होगी तब तक तो वो हीटिंग का नहीं बात करेंगे सर्किट कंप्लीट नहीं है ना वो तो थोड़ा सा मूवमेंट हुआ फिर बस बंद हो गया समझो। तो अब यहां पे फिर वही देख लो पॉजिटिव चार्ज की दर है नहीं अगर हम इधर को लेके जाएंगे वी क्रॉस बी लगाएंगे तो ऐसा बैटरी बन रहा होगा ना मतलब इधर को प्लस लेना इधर को माइनस हाँ सर वो वो हो गया था फिर नेक्स्ट है थर्टी फोर थर्टी फोर में बोला गया वर्टिकल कंडक्टिंग रिंग ऑफ रेडियस आर फॉल्स वर्टिकली स्पीड विदीडेंटल मैग्नेटिक फील्ड देखो यहाँ पे ऐसे हमने एक रिंग लिया ना ये हमारा हो गया ए बी सी टी और ये वी स्पीड से नीचे को गिर रहा है ना और यहाँ पे परपेंडिकुलर में मतलब ये अगर वर्टिकल प्लेन में नीचे गिर रहा है तो मैग्नेटिक तो वो, वो मैग्नेटिक फील्ड को कट कर रही होगी ना ऐसे एक रॉड मानोगे वो कट कर रही ये वाली रॉड मैग्नेटिक फील्ड को नहीं कट कर पाएगी ये अपने लेंथ के परपेंडिकुलर है ना सॉरी लेंथ के अला है सी वाली जो रॉड ऐसे इमेजिन करो सीडी वाली जो होगी लेंथ वो नहीं होगी ये ये वाली जो इफेक्टिव लेंथ आएगी ले से बी तक का जो पार्ट है उसमें ऐसे वाली जो इफेक्टिव लेंथ है उसके वजह से वो मैग्नेटिक फील्ड को कट कर पा रहा होगा ना ऐसे अगर हम इसको इमेजिन करें तो इफेक्टिव लेंथ ये आएगी उसके वजह से कुछ नहीं होगा तो सी और डी सेम पोटेंशियल पे होंगे ना यहाँ पे जब वी क्रॉस बी करोगे तो ई इसके क्रॉस डेवलप होगा समझो ना यहां दो रॉड मान लो एक ए बी एक ऐसे और एक ऐसे दोनों नीचे को गिर रहे हैं तो दोनों में सेम ई e डेवलप होगा सेम डायरेक्शन में तो दोनों का नेट में लाके जीरो हो जाएगा आंसर ये दिया है आंसर ए इसमें ई एम एफ डेवलप हुआ कुछ वी क्रॉस बी इसमें भी डेवलप हुआ वी क्रॉस बी नेट पूरे लूप में कोई भी टाइम पे जीरो हुआ है गलत ही है यार वो आंसर की में क्या दिया है बी दिया है बी होना चाहिए आंसर इसका एक बार सोल्यूशन भी चेक कर लिया करो कई बार आंसर की में गड़बड़ हो जाता है सोल्यूशन में सही रहता है सोल्यूशन सही है उसमें दिया है बी ना हाँ ठीक है ठीक है ना कभी भी आंसर की में अगर गड़बड़ लगे तो एक बार सोल्यूशन भी चेक कर लिया करो ना सभी को क्लियर है ना अगर हम ऐसे ऐसे दो रोड इमेजिन करें इसमें दोनों गिर रहे हैं तो ये ये अपने लेंथ के लॉन्ग जा रहे होंगे ना तो ऐसे कोई e डेवलप नहीं हो रहा है ना ई e ऐसे डेवलप हो रहा है नेक्स्ट कौन सा है थर्टी पूरे लूप का ईएमएफ e एमएफ जीरो था ना क्योंकि उसका फ्लक्स चेंज नहीं हो रहा था थर्टी फाइव में क्या है वर्टिकल रॉड ऑफ लेंथ एल इज वेलोसिटी वी टुवर्ड्स ईस्ट हम लोग टॉप व्यू का डायग्राम बना रहे हैं ना टॉप व्यू से अगर हम देख रहे हैं मान लो इधर को हमने बोला ईस्ट है इधर नॉर्थ इधर वेस्ट इधर साउथ तो हमने एक वर्टिकल में रॉड लिया वर्टिकल में रॉड मतलब वो ऐसे अंदर को प्लेन में गया होगा एल लेंथ का एक वर्टिकल में रॉड है उसको हम ईस्ट में ले जा रहे हैं

तो उसके दो कंपोनेंट आते हैं एक में और एक वर्टिकल में तो ये हॉर्जेंटल के साथ ये जो एंगल बनता है इसी को एंगल ऑफ डिप बोलते हैं तो आपको ये दिया है और ये दिया है तो आपको हॉर्जेंटल वाला बी लगेगा क्योंकि यहाँ पे जो रॉड होगा वो एल के पैरलर वाले बी के वजह से नहीं आएगा ना एल के परपेंडिकुलर वाले बी के वजह से यहां पे आ पाएगा ना और ये बी कोई और डायरेक्शन में होगा जिधर वेलोसिटी है उधर को नहीं होगा ना हॉरिजॉन्टल वाला बी यहां पे कोई और डायरेक्शन में रहा होगा देखो तो हमें यहां पर ये वाला बी दिया है थीटा इक्वल टू सर वेलोसिटी टूवर्ड्स ईस्ट

ना, वर्टिकल वाले को डॉट से दिखाया होर्जेंटल वाले को ऐसे ना तो होर्जेंटल वाला बी का वैल्यू कितना आ जाएगा बी बाय टेन थीटा और ये ऐसे जा रहा है तो ये होर्ज... ये मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी ये सब परपेंडिकुलर होगा ना तो अब ई एम एफ में हम बोल सकते हैं बी वी एल ना ये आ जाएगा ऐसे ये ऑप्शन कथन समझ आया क्या बोल रहा हूं यहां पे ये बी वर्टिकल अपॉन में बी हॉर्जेंटल किया है टेन ना तो बी वर्टिकल की वैल्यू आपको बी दी है क्वेश्चन में और होर्जेंटल निकालना है ये नेट मैग्नेटिक फील्ड है ना और ये केवल जो बी लिखा है वो वर्टिकल वाला है फोर्टी टू नेक्स्ट देखते हैं फोर्टी टू देखो फोर्टी टू में क्या बोला गया है थर्टी सेवन करें पहले थर्टी सेवन में टू आइडेंटिकल सर्कुलर क्वाइल्स ए एंड बी आर प्लेस देयर सेंटर्स ऑन द सेम एक्सिस दो सर्कुलर क्वाइल्स लिए गए हैं और उनके सेंटर को सेम एक्सिस पे रखा गया है क्वाइल बी कैरी जो करंट आए इन द क्लॉक वाइज डायरेक्शन मान लो हम लोग सब कुछ इधर से देख रहे हैं ना nah, ये ए है ये बी है क्लॉक वाइज का मतलब हुआ एंटी क्लॉक वाइज मतलब एन दिखना चाहिए क्लॉक वाइज मतलब एस दिखना चाहिए nah, तो इधर से एस दिखना चाहिए तो so, मतलब ऐसे करंट फ्लो हो रही होगी अच्छा दिया है क्या कहां से देख रहे हैं एज सीन फ्रॉम ए ए से देख रहे हैं भाई अरे यार ना अगर ए से देख रहे होंगे इस साइड से देखेंगे तो देखो हमने जो रिंग बनाई वो इस हिसाब से बनाई है ना कि इसको फिर हम ऐसे बना देते हैं ए से अगर हमें देखना है तो ऐसे बना देते हैं ये बाहर आने वाला पार्ट है या अंदर वाला पार्ट है ना डॉटेड वाला पार्ट तो जब हम इधर से देख रहे होंगे तो हमें एंटी क्लॉक दिखना है क्या दिखना है क्लॉक क्लॉकवाइज ना मतलब ऐसे कुछ हो रहा होगा वॉट वुड बी द डायरेक्शन करंट इन ए सीन फ्रॉम बी वेन आय करंट इन बीज इंक्रीज ना अगर हम देखो इसकी करंट को इंक्रीज करेंगे ये दोनों लूप सेम टाइप से रखे है ना तो इसके इधर इसके सामने क्या होना चाहिए अरे वो थर्टी सेवन में भी वैसे वो दिख ही रहा है वो कहां से देखना वो दिया हुआ है देखो ए को हम बी से देखेंगे ना ए को बी से देखेंगे तो बी से देखेंगे तो हमें ऐसा दिखाना पड़ेगा तब हमें समझ आएगा कि इस साइड से देखने पे क्या हो रहा है तो ए का ये वाला डायग्राम बना देता हूं नहीं अब ये इधर से देखने के हिसाब से डायग्राम है और ये वाला डायग्राम इस साइड से देख रहा हूं उसका डायग्राम है तो जब हम ए से बी को देखेंगे बी से ए को देखेंगे फर्स्ट पार्ट में अगर इसका करंट बढ़ेगा अगर इसका करंट बढ़ेगा तो ये वाला साइड जो होगा इसमें फ्लक्स बढ़ेगा तो ये क्या होना चाहेगा पास आना चाहेगा दूर जाना चाहेगा करंट बढ़ने से यहां फ्लक्स बढ़ रहा है तो फ्लक्स बढ़ रहा है तो क्या करना चाहेगा इंड्यूस करंट इसमें ए में, में. कम, करना ना? कम कब हो पाएगा जब ये दूर हो पाए रिपेल हो पाए तो अगर इस साइड से इसका साउथ दिख रहा है बी का तो इसके इस साइड भी साउथ बनेगा तब ना रिपेल हो पाएगा साउथ बनने के लिए क्या होना चाहिए ना जब हम बी के साइड से देखेंगे तो एक में ऐसे क्लॉकवाइज करेंट फ्लो होनी चाहिए तब रिपेल हो पाएगा ना फिर अगले पार्ट में बोला गया है क्वाइल ब्रीज मूव टूअर्ड से उसमें भी वो पास आएगा अगर इसको पास ले जाओगे तो इसका फ्लक्स बढ़ेगा तो ये दूर जाना चाहेगा दूर कब जा पाएगा जब वो रिपेल हो रिपेल कब होगा जब उसमें साउथ पोल बने इस साइड से देखे तो साउथ पोल दिखे तो दोनों में क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज आएगा फिर थर्टी सेवन के बाद था फोर्टी सेवन फोर्टी टू अच्छा

यहाँ पे बी ऐसे है और यहाँ पे बी बाहर को है तो अगर हमने यहाँ पे कोई लूप ले लिया ऐसे तो इस लूप में जो ई एम एफ डेवलप होगा वो कितना होगा जो भी टोटल फ्लक्स आएगा फाइव वन प्लस फाइव टू प्लस फाइव थ्री अगर हम देखो ऐसे इंटीग्रेट करेंगे ऐसे इंटीग्रेट करेंगे तो जो बाहर को बी होगा ना जब जो बाहर को बी होगा वो प्लस में लेंगे और जो अंदर को बी होगा वो माइनस में लेंगे ना ये करंट D है ना ये बी दिया अच्छा एक मिनट यहां से मेरे को सोच लेने दो एक मिनट हम लोग यहाँ पे जब नॉर्मल ऐसे करते थे एक कोई भी सिलेंड्रिकल रीजन में बी लेते थे और ऐसे निकालते थे तो बी के हिसाब से हम लोग करेंट फ्लो करा लेते तो उधर कोई ई ले लेते थे ठीक है और हम लोग यहाँ पे ऐसे चल रहे हैं ठीक है देखो तो यहां पर इस पूरे लूप में अगर हम देखें तो इस पूरे लूप का जो फ्लक्स होगा वो बढ़ रहा होगा कम हो रहा होगा ये दो बी इन टू द प्लेन वाले एक साइड में और आउट ऑफ द प्लेन ये है तो जो इन ये दोनों एक दोनों को कैंसिल कर रहे हैं नेट यही वाला बचेगा ना तो नेट इनटू द प्लेन का फ्लक्स बढ़ रहा है अगर नेट इन टू द प्लेन का फ्लक्स बढ़ेगा तो करेंट कैसे फ्लो होनी चाहिए ऐसे फ्लो होनी चाहिए ना इस डायरेक्शन में अगर करंट इस डायरेक्शन में फ्लो होनी चाहिए मतलब ई e कुछ ऐसे आना चाहिए ना ई e कुछ ऐसे आना चाहिए लेकिन हम इंटीग्रेट देखो ई डॉट डी आर ऐसे कर रहे हैं सारे कम हो रहे हैं क्या अच्छा सब कम हो रहे हैं अरे अरे एक मिनट एक मिनट देखो एक इन टू द प्लेन और एक आउट ऑफ द प्लेन इन दोनों का इफेक्ट तो आपस में मिलके कैंसिल हो रहा है ना, हमें बस एक का ही देखना है तो ये वाला अगर कम हो रहा है अगर ये कम हो रहा है तो करंट कैसे फ्लो होनी चाहिए इन टू द प्लेन वाले फ्लक्स को बढ़ा सके ना मतलब ऐसे करंट फ्लो होनी चाहिए ना, ये वाला फ्लक्स कम हो रहा है अगर इन टू द प्लेन का फ्लक्स कम हो रहा है तो हमें ऐसा करंट फ्लो होगा तब इन टू द प्लेन में फ्लक्स ज्यादा मिलेगा तो इसका मतलब ई e कुछ ऐसे आना चाहिए और हम लोग ई डॉट डी आर ऐसे कर रहे हैं हम लोग लाइन इंटीग्रेशन का डायरेक्शन आपको ऐसे दिया है तो मतलब जो हमारा ये ई डॉट डी आर की वैल्यू आएगी वो माइनस में आएगी ना अब उसका मैग्नीट्यूड देख लेते हैं मैग्नीट्यूड क्या होता था हम लोग ने देखो पीछे क्या देखा था ई एम एफ इंड्यूस बराबर होता था डी फाइव फिर ई एम एफ इंड्यूस को हम लोग इंटीग्रल ई e. डॉट डी आर लिख देते थे ना इॉट e. डी आर मतलब बस क्या ई एम एफ इंड्यूस निकाल लो पाथ पर ना, पूरे पाथ के लिए आप ई एम एफ इंड्यूस को ई डॉट डी आर लिखते हो मतलब आपको डी फाइव बाई डी टी की वैल्यू चाहिए वैल्यू क्या हो जाएगी तो जिस रेट से वो कम हो रहा है ना हर एक का एरिया ए दिया है ना तो बी इंटू ए फिर उसका डिफ्रेंसिएशन तो कुछ ये आ रहा होगा आंसर चेक करो क्या है इसका इंटीग्रल ई डॉट डी आर डी आर मतलब वही फ्लक्स ही है सॉरी इंटीग्रल ई डॉट डी आर मतलब ई एम एफ की वैल्यू पूछी गई आपसे यहाँ पे देखो केवल आपको फ्लक्स का मैग्निट्यूड नहीं बताना था आपको ई डॉट डी आर मतलब अगर हम इस पाथ पे चलें तो क्या मिलेगा या इसी लूप में ऐसे चलें तो क्या मिलेगा ये सोचना था ना इसी लूप में अगर हम ऐसे चलेंगे तो प्लस में रिजल्ट मिलेगा लेकिन ऐसे चलेंगे तो माइनस में मिलेगा ना तो उस हिसाब से एक क्वेश्चन पूछा गया था मैग्नीट्यूड को ई के मैग्नीट्यूड में साइन भी डाल दिया गया था कुछ समझ आया ई डॉट डी आर देने का रीजन क्या है डायरेक्ट ई पूछता तो आप बता देते मैग्नीट्यूड नहीं ऐसे लिखने से आपको डायरेक्शन आप भी सोचना पड़ेगा कि ये प्लस में आएगा या माइनस में है ये ई एम एफ ना फिर नेक्स्ट फोर्टी थ्री A wire of fixed length l is wound on a solenoid of length l and radius r. Its self inductance is found to be capital L. दुको अगर हम लोग कोई भी wire लें, जिसकी कुछ length रही होगी ना, उसकी length कुछ मान लेते हैं l not है। और इसको एल लेंथ में हम लोग अगर ऐसे कर रहे हैं तो टोटल ये कितने टर्न्स आ जाएंगे यहां पर टू पाई आर अपॉन में एल नॉट इतने टोटल नंबर ऑफ टर्न्स आ जाएंगे ना यहां पर तो इससे फ्लक्स कितना पास होगा म्यू नॉट एन आई यहां पे आई करंट अगर है और नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ में अगर स्मॉल एन है तो ये बी आएगा ना बी इंटू ए टोटल नंबर ऑफ ये एक लूप से फ्लक्स होगा और जितने टोटल नंबर ऑफ लूप है वो मल्टीप्लाई कर देंगे ना फिर इसको हम लिख देंगे म्यू नॉट एन को लिख देंगे कैपिटल एन बाई टोटल लेंथ ऑफ ये अगर ये एल लेंथ और टोटल नंबर ऑफ टर्न कुछ कैपिटल एन आया आय को इधर ले आएंगे तो सेल्फ इंडक्टेंस ये सेल्फ इंडक्टेंस लिखा है ना ऐसे आ जाएगा अब देखो यहां पर इनकी अगर हम वैल्यू डाल दें म्यू नॉट एन की वैल्यू डाल देंगे एल नॉट अपॉन में टू पाई आर तो ये आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट जाएगा तो फाइनल जो हमारा सेल्फ इंडक्टेंस आया वो किसके प्रोपोर्शनल आ रहा है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एल आ रहा है ना मतलब सोलोनोइड के पाइप के सोलनोइड की लेंथ कितनी है ये लेंथ कितनी है तो लेंथ अगर हम हाफ करेंगे तो सेल्फ इंडक्टेंस डबल हो जाएगा और समझाऊं क्या अभी प्रतीक 43 और समझाना है फिर नेक्स्ट है फोर्टी सेवन फोर्टी फाइव फोर्टी फाइव में क्या है अ लॉन्ग स्ट्रेट वायर इज प्लेस्ड अलॉन्ग द एक्सिस ऑफ अ सर्कुलर रिंग ऑफ रेडियस आर म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ दिस सिस्टम इज ना अगर हमने एक मान लो रिंग लिया और इसके एक्सिस के लॉन्ग एक लॉन्ग स्ट्रेट वायर रख दिया तो इस लॉन्ग स्ट्रेट वायर की वजह से इसमें कोई फ्लक्स आएगा इस रिंग में इसका बी ऐसे जा रहा होगा ना तो इसमें कोई फ्लक्स नहीं आएगा ना फ्लक्स जीरो है तो फ्लक्स को आप लिखोगे एम इन टू आई इक्वल टू जीरो आएगा जीरो ना म्यूचुअल में हम एक में करेंट फ्लो कराते हैं और दूसरे में फ्लक्स निकालते हैं और फ्लक्स को लिख देते हैं एम इन टू आई फोर्टी सेवन देखो अब फॉर अ इंडक्टर क्वाइल एल इक्वल टू दिस करंट ऑफ फाइव एम्पियर इन इट अगर हमें फाइव एम्पियर की करेंट स्टैब्लिश करनी है तो उसके लिए सोर्स को कितना वर्क करना पड़ेगा देखो तो जब इंडक्टर को में हम करंट स्टेब्लिश करते हैं तो क्या कोई एनर्जी का लॉस होता है ना इंडक्टर के केस में कोई एनर्जी का लॉस नहीं होता तो जितनी इंडक्टर में एनर्जी स्टोर है उतना ही हम बोलेंगे वर्क करना पड़ा ना तो वर्क बराबर कर देंगे हाफ एल आई स्क्वायर कराया है फिफ्टी परसेंट लॉस एक मिनट सर्किट बना के देखते हैं अगर हमने एक इंडक्टर लिया एक बैटरी ले ली तो कोई भी टाइम पर हम यहाँ पे देखेंगे अगर आई करंट फ्लो हो रही है तो वर्क डन बाय बैटरी कितना आएगा मान लो टोटल आई नॉट करंट आई पूरी सर्किट में एक मिनट एक मिनट आई करंट तक ले जाने का टाइम इंडक्टर में देखो यहां पे एक चीज ये गड़बड़ हो रही है जैसे इसके क्रॉस का ई एम एफ लगातार क्या हो रहा है इसके क्रॉस का ई एम एफ एल डी आई बाई डी टी तो वो लगातार बढ़ रहा है और यहां पे ये अगर दोनों पैरलर में लगे हैं तो हर टाइम ये सेम होना चाहिए एक मिनट मुझे सोचने दो ना, मतलब यहां पे रेसिस्टेंस लेके ही करना पड़ेगा एक मिनट रुक जाना देखो यहां पर ये जो 47 वाले में हम लोग सोच रहे हैं कि अगर केवल बैटरी और इंडक्टर कनेक्ट कर दें अगर केवल बैटरी और इंडक्टर कनेक्ट करेंगे तो करंट तो करेंग कभी भी एक कांस्टेंट करंट नहीं आ पाएगी लगातार करंट बढ़ती जाएगी ना करंट वहां पे फंक्शन ऑफ टाइम होगा ना क्योंकि हर टाइम पे ये मैं बराबर होगा एल डी आई बाई डी टी यहां का वोल्टेज डिफरेंस बराबर यहाँ का वोल्टेज डिफरेंस तो लगातार करेंट बढ़ रही होगी बट हमारा जो क्वेश्चन पूछा गया उसमें कुछ ऐसा सेंस है कि इंडक्टर में कांस्टेंट करंट स्टैब्लिश करनी है फाइव एमपियर मतलब इसको एल सर्किट लेके करना रहेगा एल सर्किट होगा तभी आप एक टाइम बाद कांस्टेंट करंट स्टैब्लिश हो पाएगी तो यहाँ पर फोर्टी सेवन में ये बोला गया है कि इंडक्टर में कांस्टेंट करंट स्टेब्लिश करना है तो वहां पे हम ऐसा कुछ सिचुएशन लेके चलेंगे तो अगर अब एल आर सर्किट में हमें पता है कि जो आय होता है वो कैसे आता है आई टू ई बाय आर वन ना करंट लगातार फंक्शन ऑफ टाइम के अकॉर्डिंग चेंज हो रहा होगा तो कोई भी आय करंट अगर हम जा रहे हैं तो आई करंट तक जाने में कितनी एनर्जी का लॉस हो जाएगा लेकिन अगर हम लोग ऐसे भी सोचेंगे मान लो कि एक कोई फाइनल करंट हमें आई नॉट तक पहुंचना है तो फाइनल करंट जो भी आनी है इसमें final current सर उन्होंने बोला नहीं कि फाइव एम्पियर की करंट कांस्टेंट होगी हाँ वही सोच रहा हूँ क्योंकि फाइनल करंट तक पहुंचेंगे तब तो इनफाइनेट लॉस हो जाएगा क्योंकि फाइनल करंट तक पहुंचने में तो इनफाइनेट टाइम लग जाता है ना तो वैसा भी चक्कर नहीं है और वो पहले जो आपने माना था ना आई इक्वल सॉरी हाँ फिर उससे भी कर सकते ना जब वो कॉन्स्टेंट नहीं बोल सकते ना कोई बस एक करंट तो है उससे आंसर आता है हाफ वाला ही हाँ उससे तो वही आएगा और आंसर इसमें दिया कितना है वन ये कितना आ जा रहा है पॉइंट जीरो टू इन ट्वेंटी फाइव इसको यार नेक्स्ट क्लास में बताता हूँ फिर मेरे को थोड़ा इसमें सोचना पड़ेगा ना और क्या हो सकता है कि अगर बैटरी का वर्क हम देखें यहाँ पे तो करंट कोई भी टाइम पे कितनी है ई बाय एल इनटू टी और बैटरी का ईएमएफ है ई तो एक पूरे जीरो से टी टाइम तक के लिए कितना वर्क करना पड़ेगा तो सो so, टी फाइल बाय थ्री ए फाइल बाय ई ए टी क्या बोल लो फाइल बाय ई है ना टी फाइव फाइव फॉर 5 5 हां वो तो अभी सिंबल में सॉल्व कर रहे हैं अभी अच्छा डन बाय बैटरी और एनर्जी स्टोर्ड अभी कितनी है हाफ एल इंटू आई स्क्वायर ये नेक्स्ट में बताता हूं यार इसमें कुछ तो सोचना पड़ेगा और कुछ है मिसिंग लग रहा है तो सॉल्यूशन में भी वही दिया है पर परसों बोल रहा हूँ सिर्फ उन्होंने कैलकुलेशन पूरा सेम ही से लिखा और है एंड में आंसर अलग दे दिए वही मुझे भी डाउट हो रहा है यार कि सेम ही आएगा क्योंकि यहाँ पे जो बैटरी का वोल्टेज डिफरेंस हमेशा वही यहाँ पर भी है तो जो ये तो वर्क करेगा वही ये करेगा और लॉस कुछ होगा ही नहीं ना लॉस का कोई लॉस होगा ही नहीं तो आना वही चाहिए पॉइंट फाइव जूली बट फिर भी मैं नेक्स्ट क्लास में कंफर्म करता हूं ना थोड़ा नेक्स्ट बताओ फिफ्टी थ्री सर हाँ, 47 में हम वर्क को E into Q भी लिख सकते हैं ना डेल्टा Q, E into डेल्टा Q हाँ लिख सकते हैं और डेल्टा को बत... लिख सकते हैं डेल्टा फाइ बाय आर, डेल्टा Q को लिख सकते हैं डेल्टा फाइ बाय आर, फाइ आर हाँ और डेल्टा फाइ हो जाएगा L into I, हाँ, हाँ तो तो आ जाता है ना फिर वो L I square, एक सेकंड क्या क्या बोला तुमने तुमने बोल लो कि डेल्टा क्यू इंटू e लिखेंगे तो इससे वर्क डन बाय बैटरी आ जाएगी हाँ, तो डेल्टा क्यू को डेल्टा फाइव बाई आर डेल्टा फाइव बाई आर और डेल्टा फाइव ये आता है अगर अभी फाइनल करंट आए है तो एल आई फाइनल ई एम हो जाएगा ये आता है आई आई वाला फिर से तो अब इसमें E यार फिर से आया जगह फिर वो एल आई जाएगा ये क्या कर दिया तो सर उसे वन जूल लाता है आंसर ये तो बात ठीक है बट ये अगर तूने फाइनल करंट को ई e बायर लिखा फाइनल करंट लाने में टाइम लगता है इनफाइनाइट तो उससे जो हीट लॉस होता है वो भी इनफाइनाइट आता है एक बार इसको इंटीग्रेट करो देखो हीट लॉस कितना आया है यहां पर एल आर सर्किट में एक मिनट एल आर सर्किट में अगर हम हीट लॉस निकाले करेंट कितनी रहती है ई बाई आर वन माइनस टी बाई टाउ तो टोटल हीट लॉस कितना आएगा अगर आए करंट आने का जो टाइम है वो इनफाइनाइट है तो टोटल हीट लॉस कितना आ जाएगा ई स्क्वायर बाई आर स्क्वायर अच्छा इसमें लेकिन एक दिक्कत ये है हाँ ये सही बोल रहा है देखो भाई देखो इधर सभी यहाँ पे देखो क्या है कि जैसे हमने एल आर सर्किट कर लिया तो उसमें करंट को अगर हम टाइम के साथ ड्रॉ करें तो ऐसा कुछ जा रहा है अब हम इसको इंटीग्रेट कर रहे हैं तो ये टाइम इनफाइनेट तक अब ये ऐसे चलता ही जा रहा है तो हमें एक्चुअल में नॉट पहुंचने तक का करंट निकालना है है उसके बाद भी टाइम आगे बढ़ता जा रहा है। तो ये इंटीग्रेट करने पे तो इनफाइनाइट इनफाइनाइट देगा क्योंकि टाइम तक करंट आने के बाद भी आप चलते जा रहे हो इनफाइनाइट तक तो आई स्क्वायर आर हीट तो प्रोड्यूस होता ही जाएगा ना इनफाइनाइट टाइम तक तो हमें बस इतना सोचना है कि मैक्सिमम करंट आने तक कितना वर्क हुआ है कितना हीट प्रोड्यूस हुआ है तो अगर हम उतना सोचें तो फ्लक्स जब तक चेंज हो रहा है तब तक का ही हम बस चार्ज पास देखेंगे ना वर्क निकालना है तो तो यहां वाले से सोचना आसान है ना ये वाला तरीका सही नहीं हो रहा है इससे रॉन्ग हो रहा है तो इससे सोच सकते हैं कि बैटरी से अगर टोटल एल सर्किट में वो एल सर्किट का ही पूछा गया है फिर ना अगर केवल एल सर्किट होगा तो वहां तो लॉस हो ही नहीं पाएगा नहीं एक सेकेंड रुको हाँ वहां पे आर है ही नहीं है ना सर्किट में तो वहां लॉस नहीं हो पाएगा ना ये एल आर सर्किट में ही पॉसिबल है ये जो आंसर पूछा गया है ना एल आर सर्किट के लिए हम ऐसे बोल सकते हैं कि अगर इस बैटरी से टोटल क्यू चार्ज पास हुआ है तो वर्क डन होगा Q इन टू e और Q को हम लोग लिख देंगे टोटल फ्लक्स अपॉन में R और फ्लक्स हम ऐसे लिख करके ये आ जाएगा टोटल बैटरी ने इतना वर्क किया ना आई करंट स्टेब्लिश करने में ये समझो मैं क्या बोल रहा हूँ वो एल आर सर्किट के लिए ही पूछा गया है ना फोर्टी सेवन समझ आया मैं क्या बोल रहा हूं फोर्टी में ये किसने बोला मुझे पता नहीं चला यार सोल्यूशन ये किसने बताया था कौन था बोलने वाला आदित्य अच्छा तो देखो ये आदित्य ने जो बोला है, सही बोला है, इसने इसने ये बोला कि बैटरी का वर्क निकाल लो फाइनल करंट आने तक में जितना चार्ज पास हुआ वो इन टू ये बैटरी का वर्क होगा और सर्किट से चार्ज कितना पास होता है वो आप डेल्टा फाइव बाई आर करके निकाल सकते हो ना और फाइनल अगर करंट आई आई है तो फाइनल फ्लक्स ये है और शुरुआत में फ्लक्स जीरो था तो ये ही हमारा डेल्टा है ना अगर फाइनल करंट आ चुकी है आए है तो हम ई बाई आर को ही आय लिख देंगे ना तो बैटरी का वर्क इतना आ गया ना आई करंट स्टेब्लिश करने में एल आई स्क्वायर टोटल यहाँ पे वर्क हो रहा है और ये एल आर सर्किट के लिए पॉसिबल है ना यहाँ प्रतीक हीट हाफ अलाइज यहाँ से आएगी लेकिन ये आपको इसमें इंटीग्रेट जब करते हो जीरो से इनफाइनेट तक तो उसमें दिक्कत क्या आ रही है कि करंट आने ये करंट एक बार मान लो फाइनल करंट आ गई उसके बाद तो करंट चलती रहेगी ना आए और आप इनफाइनेट तक कर रहे हो तो करंट आने के बाद भी आप इंटीग्रेट करते जा रहे हो आपको कैसे पता कहाँ रुकना है इस इंटीग्रेशन में आप रुक नहीं पा रहे हो ना कहाँ तक करना है इंटीग्रेशन करंट आने के बाद भी आई इस पर हीट तो जनरेट होती रहेगी ना करंट तो लगातार फ्लो होती जा रही है तो इसका रिजल्ट तो देगा इधर से ही आप निकाल पाओगे कि फाइनल आए करंट आने तक में कितना वर्क हुआ है सर वो करंट और वो जो हीट एग्जैक्ट एक सती आएगी ऐसा नहीं कि करंट पहले आ जाएगा क्योंकि दोनों इन्फिनिटी पे है ना तो एक इन्फिनिटी छोटी और दूसरी इन्फिनिटी बड़ी थोड़ा बोल सकते हैं वो तो ठीक है लेकिन अगर मान लो सर्किट में टोटल आई करंट आई है तो चार्ज पास तो आप यही बोलोगे ना हाँ ये समझा पर इंटीग्रेशन से भी वो आएगा सर आई आए, गेस आएगा आएगा नहीं आएगा ना क्योंकि उसमें क्या है कि फाइनल करंट मान लो कोई टाइम पर आई लेकिन उस टाइम के बाद भी आप इनफाइनाइट कर रहे हो मतलब आप करते ही जा रहे हो इंटीग्रेट और करंट आने के बाद भी लगातार हीट तो प्रोड्यूस होता ही जाएगा ना पर सर वो टाइम भी ना जब आ रहा है करंट देख ना ये इसलिए इनफाइनाइट हीट प्रोड्यूस हो रहा है ना मान ले बस आपको ये पूछा जाए कि एक रेसिस्टर में करंट आ रही है आए तो इसमें लॉन्ग टाइम में कितनी प्रोड्यूस होगी तो आई स्कूल इनफाइनेट हो जाएगा ना फिर वो तो करंट आने के बाद भी अपन तो इन्फाइनेट तक इंटीग्रेट कर दे रहे हैं ना हाँ, वही तो दिक्कत हो रही है ना इस वाले मेथड में यही दिक्कत हो रही है कि हम वो नहीं सोच पा रहे हैं कि कब हम इन्फाइनेट पे रुके हैं? ना हम तो इसमें ये वाला पार्ट भी इंक्लूड कर ले रहे हैं करंट आने के बाद भी आगे का हीट प्रोड्यूस प्रोडक्शन ना नॉर्मल एक करंट आ गई अब इसमें इनफाइनेट लॉन्ग टाइम में कितना हीट प्रोड्यूस हो रहा है वो भी ऐड हो जा रहा है इसमें लेकिन इधर से करने में ये चीज नहीं हो रही है ठीक है समझ रहे हो ना फोर्टी सेवन पे बाकी मैं एक बार और सोचूंगा अभी या फिर नेक्स्ट क्लास में अगर लगा तो एक बार और डिस्कस कर दूंगा हाँ, डायरेक्ट बोलेंगे रेसिस्टेंस आ रहा है तो फिफ्टी परसेंट का लॉस हो रहा है नेक्स्ट क्लास में मैं एक बार और इस पर डिस्कस करूंगा वैसे अब नेक्स्ट कौन सा है फिफ्टी थ्री एंड इंडक्टर क्वाइल स्टोर्स एनर्जी यू वेन करेंट आई पास थ्रू द इट and dissipates heat energy at a rate of p time constant of the circuit when this coil is connected across a battery of zero internal resistance dekho 53 mein ye bola gaya jo inductor hai uske coil ka kuch resistance hai tabhi jab usse i current पास हो रही है तो कुछ हीट जनरेट हो रहा है उसकी वैल्यू P दी है ना I square R की वैल्यू P दी है तो आप यहाँ पे बोल सकते हो कि सर्किट का रेसिस्टेंस कितना है पी बाई आई स्क्वायर अगर आई करंट पास हो रही थी उस टाइम के लिए ना हमने आई एक फिक्स वैल्यू दे दी तो उस टाइम का पी पता है आई पता है तो वहां से आर निकाल लेंगे अब इसको जब बैटरी को आप इस इंडक्टर को कनेक्ट करोगे सर्किट में तो इंडक्टर का रेसिस्टेंस है ना तो आप उसको अलग बना लोगे ये एल सर्किट का, का काम करेगा नहीं, ये रेसिस्टेंस इसी का है ना हमने अलग दिखाया है और इसका कुछ इंडक्टेंस है इंडक्टेंस की वैल्यू आप यहां से निकाल लोगे आपको जब आय करंट जा रही है तब का एनर्जी स्टोर पता है तो उससे आप एल निकाल लोगे और आप आपको पूछा क्या क्या है टाइम कांस्टेंट टाइम कांस्टेंट हमारा क्या रहता है एल बाय आर एल की वैल्यू टू यू बाई आई स्क्वायर है आर की वैल्यू पी बाय आई स्क्वायर है तो आई कर जाएगा, टू यू बाई पी यहाँ पे टाइम कांस्टेंट आ जाएगा ना यहाँ पे जो इंडक्टर है उसका रेसिस्टेंस था तो उसको बस आपको अलग दिखा लेना है ना अब इसमें जब आई करंट जा रही है तो इधर एनर्जी स्टोर है और वजह से एनर्जी का लॉस हो रहा है फिर नेक्स्ट कौन सा है सिक्सटी वन ना फिफ्टी फाइव फिफ्टी फोर पूछ डाल तुम लोग फिफ्टी फोर देखो वेन अ करेंट इन द पोर्शन ऑफ सर्किट सोन इन फिगर इज टू एम्पियर इंक्रीजिंग एट अ रेट ऑफ डी आई बाई डी टी दिया है करेंट की वैल्यू दी है ये तो यार सिंपल है एकदम 54 और 54 में क्या है हम लोगों ने देखो एक क्वेश्चन किया था ना कि अगर हम एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जा रहे हैं तो क्रिच लॉ लगा के नॉर्मल सॉल्व कर देंगे पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जा रहे हैं तो एक केस में बोला गया कि आई की वैल्यू टू है और वो बढ़ रहा है बढ़ रहा है मतलब प्लस में लेंगे प्लस में वन तो उस केस का पोटेंशियल डिफरेंस दिया हुआ है ना हम ए से चलेंगे वी ए माइनस एल डी आई बाई डी टी एल डी आई बाई डी टी को प्लस वन लिखेंगे माइनस आई एन टू आर इक्वल टू वी बी तो वी ए माइनस वी बी आ गया एल प्लस टू आर इसकी वैल्यू एट दी है और दूसरे केस में जब हम यहाँ पे चलेंगे सेकेंड केस में तो वहां पे डी आई बाई डी बस माइनस हो गया है ना कम हो रहा है इसलिए क्या हो जाएगा उसको माइनस वन लिखोगे माइनस वन जब लिखोगे तो बस यहां पे माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा तो उस माइनस एल डी आई बाई डी टी डी आई बाई डीटी की वैल्यू इस बार माइनस वन है माइनस आई एन टू आर तो उतना ही है सर्किट में करंट नहीं चेंज हुई है ना करंट टू ही एम्पियर है लेकिन एक में बढ़ एक केस में बढ़ रही थी और एक केस में कम हो रही थी तो वी ए माइनस वी बीवल टू माइनस एल प्लस टू आर तो आप एल आर में दो इक्वेशन है ये आपको दिया हुआ है दो अनोन है दो इक्वेशन है इनको सॉल्व कर लो ना हो जाएगा फिफ्टी फोर फिफ्टी फाइव भी सेम ही है ना करेंट का डायरेक्शन सब कुछ सेम है ना बस एक में करंट वो बढ़ रही है और एक में कम हो रही है तो उसके अकॉर्डिंग एक में डी आई बाई डी टी को प्लस में लिखना है एक में माइनस में लिखना है फिर नेक्स्ट है सिक्सटी वन फिफ्टी सिक्स प्रतीक फुल मजे ले रहा है यार तू एकदम चलो फिफ्टी सिक्स देखो

एल आर सर्किट में बस ये फॉर्मले में वैल्यू डालनी है एल आर सर्किट में आई इक्वल टू क्या होता था ई बाय आर वन माइनस टी बाय टाओ आपको टाइम दिया है टी की वैल्यू दी है क्वेश्चन में आय की वैल्यू दी है जिस टाइम का टाइम दिया उस टाइम का आय दिया है आर दिया है क्वेश्चन में ना एल और आर दिया है तो टाइम कांस्टेंट आ जाएगा ना ये सब सॉल्व करोगे तो इससे ई e की वैल्यू निकालनी है इस फॉर्मुले में बस वैल्यू डालनी है प्रतीक फॉर्मूले में वैल्यू डालनी है ना किसी इंस्टेंट की करंट आपको बताई गई है उस इंस्टेंट का टाइम बताया गया है और टाउ निकाल लोगे आप आर दिया है और ई निकालना है हाँ फिर कैलकुलेशन मिस्टेक हुई होगी चेक करो अच्छे से फिर नेक्स्ट है फिफ्टी सिक्सटी फिफ्टी एट तूने सोल्यूशन वगैरह रेफर नहीं किया है क्या थोड़े डाउट कम हो जाते यार तेरे टाइम कांस्टेंट ऑफ इंडक्टेंस इज़ दिस। देखो ये बोला गया केवल एक इंडक्टेंस क्वाइल का टाइम कांस्टेंट। तो इसका मतलब उसमें जो एल है और आर है उसका रेशियो क्वाइल का भी कुछ रेसिस्टेंस होता है तो ना उसके रेसिस्टेंस को हम अलग से दिखा देते हैं तो वो टाइम कांस्टेंट दिया है। मतलब ये एल बाई आर का हमें रेशियो दिया है टू इंटू टेन के पावर माइनस थ्री मान लो इसका रेसिस्टेंस आर वन है कुछ फिर हमने इसको एक अलग रेसिस्टेंस से कनेक्ट किया अब जब हम इसको एक अलग रेसिस्टेंस से कलेक्ट करेंगे एक एक्सटर्नल रेसिस्टेंस आर टू से तो टोटल सर्किट का रेसिस्टेंस अब कितना हो जाएगा आर वन प्लस आर टू तो इस बार का टाइम क्या आएगा एल अपॉन आर वन प्लस टू आएगा 10 के 3. तो हमें इंडक्टेंस और रेसिस्टेंस ऑफ क्वाइल बताना है आपको देखो आर टू पता है ना अननोन क्या है एल और आर वन दो अननोन है और दो इक्वेशन है आपके पास हो जाएगा सॉल्व दो अननोन दो इक्वेशन समझो ना इस इसक्वाइल का आर वन इसके साथ सीरीज में ले लोगे तो टोटल रेसिस्टेंस नेक्स्ट टाइम में आर वन प्लस आर टू हो जाएगा ना 90 को आर टू लिख रहे हैं इसका जो अभी इसका अलग से मैंने नहीं दिखाया इसमें एल है आर वन है तो आप एल को अलग दिखा लो आर वन को अलग दिखाओ और आर टू अलग से आपने लगाया है नेक्स्ट बताओ आप इन द सर्किट सोन क्वाइल इज आइडियल करेंट इन इट रीचेज फाइव एमपियर स्विच इज क्लोज एट टाइम जीरो द फ्यूज विल ब्लो देखो अभी मैंने किया था ना अगर केवल एक बैटरी को एक इंडक्टर से कनेक्ट करूंगा तो करेंट एज ए फंक्शन ऑफ टाइम आया था ना अभी अगर मैंने केवल एक बैटरी से एक इंडक्टर को कनेक्ट किया तो कोई भी टाइम पे ई बराबर होगा एल डी आई बाई डी टी तो आई इक्वल टू क्या लिख देंगे ई e बाई एल डी टी दोनों से आइडेंटिगेट कर लेंगे तो आई इक्वल टू आ जाएगा ई बाई एल टी ना कोई भी टाइम टी पे ये करंट आ रही होगी तो आपको किस करंट चाहिए फाइव एम्पियर तो यहाँ आई की वैल्यू फाइव एम्पियर डाल दो ई e की वैल्यू दी है एल की वैल्यू दी है टाइम पूछा गया है हो जाएगा सिक्सटी वन आई दिया है ई e दिया है एल दिया है टी पूछा है इसमें समझो ना जब केवल एक बैटरी और इंडक्टर होगा तो यहां का पोटेंशियल डिफरेंस और यहाँ का हमेशा सेम होगा तो उनको इक्वेट करके सॉल्व कर दिया है या आप करंट फ्लो करा के ऐसे किच लॉ लगाओगे तो भी यही इक्वेशन आएगी फिर नेक्स्ट कौन सा है 62? 62 में बोला गया है कि एन इंडक्शन क्वायल स्टोर्स 32 जूल ऑफ मैग्नेटिक एनर्जी एंड डिस्पेट एनर्जी एट अ रेट ऑफ ये फिर वैसे ही लग रहा है 53 टाइप U दिया है और P दिया है ना बस वहां पे सिंबल में लिखा था 53 में या वैल्यू दे दिया है ठीक है 62 में जब आप एक बार हाफ एल आई स्क्वायर लगाओगे तो U की वैल्यू दे दी I की वैल्यू दे दी तो L आ जाएगा फिर एक बार आप आई स्क्वायर आर लगाओगे I दिया है P दिया तो R आ जाएगा फिर आपको टाइम कांस्टेंट पूछा है तो L बाई आर लगा दो फिर नेक्स्ट अब 63 रेशियो ऑफ टाइम कांस्टेंट इन द चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग ये तो अपन ने किया था शायद क्लास में भी या कभी तो और किया ये देखो चार्जिंग के टाइम पे मतलब जब स्विच क्लोज किया तो उस टाइम का निकालना है ग्रोथ ऑफ करेंट के टाइम में तो ग्रोथ ऑफ करेंट के टाइम में हम कैसे निकालते हैं जो भी बैटरी रहती है उसको इंटरनल रेसिस्टेंस से रिप्लेस करके जो इंडक्टर है ना इंडक्टर वाले दो पॉइंट के क्रॉस हम लोग आर इक्विवेलेंट निकालेंगे तो यहाँ आइडियल बैटरी है तो हम इसको जब ऐसे इंटरनल रेसिस्टेंस से रिप्लेस करेंगे तो जीरो रेसिस्टेंस आएगा ना मतलब ये प्लेन वायर बन जाएगी तो अब यहाँ का पोटेंशियल यहाँ का होगा और यहाँ का पोटेंशियल यहाँ का होगा तो मतलब ये शॉर्ट हो गया ना तो इसको हटा दोगे तो केवल सर्किट में क्या बचा एक ही रेसिस्टेंस बचा ना तो इन दो पॉइंट के क्रॉस रेसिस्टेंस यही आएगा समझो ये तो पहले वाला टाइम कांस्टेंट आ जाएगा एल बाई टू आर में क्या करोगे बाद में आप इस स्विच को ओपन कर दिया तो अब करंट शुरू हो जाएगी डीके टाइम में क्या हो रहा होगा एक रेसिस्टर ये है एक ये है और एक इंडक्टर है ना तो टू आर और आर ये दोनों में करंट रही होगी सीरीज में थ्री आर हो जाएगा हाँ ना करंट ऐसे कुछ जा रही होगी थ्री आर हो जाएगा तो बाद का टाइम कांस्टेंट हो जाएगा एल बाई थ्री आर हो गए सारे सौरभ वो डिस्कस करता हूं एक दिन रुक जाओ को जीरो करने का सोचना पड़ेगा क्या कर रहा है क्या सेंस है उसमें बट आदित्य ने सही बात बोली थी उसका सही लगा मुझे 65 में क्या है इन द गिवन सर्किट एलसी सर्किट इफ इेंट इनिशियल कैपेसिटर सी है जो चार्ज क्यू ऑन इट एंड टूसू है चार्ट टूसू हमें ऐसा बोला गया यहां पे स्विच लगाई गई है और नीचे वाला डायरेक्टली कनेक्टेड है उसमें देखो इसमें क्या है टाइम जीरो पे इस पे चार्ज कुछ टू क्यू था और करंट नहीं बताया इस पे कितना है इसमें इनिशियल करंट नहीं बताया तो हम यही मान के चलेंगे कि इनिशियल करंट नहीं है तो एक तरह से यहाँ पे दो कैपेसिटर लगे हैं जब ये हमने क्लोज किया तो ये दोनों पैरलर में आ जाएंगे ना तो टोटल कैपेसिटेंस हो जाएगा थ्री सी और टोटल चार्ज आ जाएगा थ्री क्यू तो एक तरह से थ्री सी वाला कैपेसिटर लगाया और थ्री सी थ्री क्यू चार्ज है एक मिनट मेरे को यार सोचने दो इसमें ना एनर्जी विल गेट इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड इन बोथ द कैपेसिटर जस्ट आफ्टर क्लोजिंग द स्विच तो हमें हाँ वो एक बार सोचने दे एनर्जी विल गेट इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड इन बोथ द कैपेसिटर जस्ट आफ्टर क्लोजिंग द स्विच जैसे ही स्विच क्लोज करेंगे इनर्जी इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी देखो दोनों का वोल्टेज सेम हो जाएगा ना जैसे हम स्विच क्लोज करेंगे तो एनर्जी स्टोर क्या होती है हाफ सीवी स्क्वायर दोनों का वोल्टेज सेम होगा जैसे स्विच क्लोज करेंगे तो दोनों का अगर सी अलग अलग है तो दोनों की एनर्जी तो सेम नहीं हो सकती ना जैसे स्विच क्लोज करेंगे सी अलग अलग है और वी सेम है तो इसका मतलब एनर्जी सेम नहीं होगी बी ऑप्शन में फिर मतलब ए ऑप्शन नहीं हो पाएगा बी ऑप्शन में बोला गया है इनिशियल रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ करंट इन द इंडक्टर विल बी इनिशियली हमें ग्रोथ ऑफ करंट की वैल्यू बतानी है इनिशियल ग्रोथ ऑफ करंट मतलब डी आई बाई डी टी की वैल्यू बतानी है हमें पता है कोई भी टाइम पे जो यहाँ वोल्टेज डिफरेंस होगा उसकी वैल्यू आप क्या लिखोगे एल डी आई बाई डी टी और वही बराबर होगा यहाँ से वोल्टेज डिफरेंस निकालो या यहाँ से इनिशियल वोल्टेज डिफरेंस कितना होगा यहां से निकालोगे तो भी क्यू बाई सी आएगा यहाँ से निकालोगे तो भी क्यू बाई सी आएगा ना तो इनिशियल एल डी आई बाई डी टी की वैल्यू होगी क्यू बाई सी डी आई बाई डी टी की वैल्यू हो जाएगी क्यू बाई सी एल तो ये भी नहीं हो पाएगा मैक्सिमम एनर्जी इन द इंडक्टर विल बी मैक्सिमम एनर्जी कब होगी जब टोटल जो शुरू में एनर्जी है कैपेसिटर में इन दोनों को मिलाकर आप एक थ्री सी का कैपेसिटर बना लोगे ना जिसमें थ्री क्यू एनर्जी है तो वो मैक्सिमम एनर्जी कितनी है हाफ सी सॉरी क्यू स्क्वायर बाई टू सी क्यू कितना है थ्री क्यू क्यू स्क्वायर बाई टू सी तो आ जाएगा थ्री क्यू बाई टू सी तो ये सी ऑप्शन हो जाएगा यहां पर ना जितनी कैपेसिटर की इनर्जी है वो टोटल मिल करके बाद में इंडक्टर में चली जाएगी ना आप इसको ऐसे समझ सकते हो कि ये यह यहाँ यह पे एक ही कैपेसिटर लगा है थ्री सी का ना ये कनेक्ट करते ही ये दोनों आपस में कनेक्ट हो गए थ्री तो सी है और इनका चार्ज मिलके हो गया थ्री क्यू और एक इंडक्टर लगाया तो यहां की जो एनर्जी मैक्सिमम है उसी को सबको इंडक्टर में डाल दोगे तो सी ऑप्शन आ जाएगा इसका ना ठीक है हो गए सारे डाउट

66 में बोला गया है इन एन एल सी सर्किट कैपेसिटर मैक्सिमम चार्ज क्यू नॉट द वैल्यू ऑफ डी आई बाई डी टी मैक्सिम डी आई बाई डी टी कोई भी टाइम पे देखो एक अगर इंडक्टर आपने लिया है और एक कैपेसिटर लिया है तो कोई भी टाइम पे जो यहाँ पे यहां वोल्टेज डिफरेंस होगा और यहां होगा वो सेम होगा ना तो कोई भी टाइम पे Q by C बराबर L di by dt तो इसकी वैल्यू मैक्सिमम कब होगी जब चार्ज मैक्सिमम होगा ना चार्ज मैक्सिमम कितना होगा Q नॉट बाई एल सी यही di by dt की मैक्सिमम वैल्यू होगी समझ आया क्या बोल रहा हूं सिक्सटी सेवन इन एन एल सी सर्किट द मैक्सिमम चार्ज ऑन द कैपेसिटर इज क्यू चार्ज ऑन द कैपेसिटर व्हेन एनर्जी स्टोर्ड इज इक्वल बिटवीन इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड दोनों में जब एनर्जी इक्वल हो जाएगी तो हमें बताना है चार्ज कैपेसिटर में कितना होगा दोनों में इक्वल हो गई मतलब उसकी एनर्जी हाफ हो गई ना क्यू स्क्वायर बाय टू सी शुरू में एनर्जी थी ये एनर्जी हाफ कब होगी जब चार्ज कितना हो जाएगा क्यू से क्यू बाय रूट टू आ जाएगा तब ना टू का एक एक्स्ट्रा फैक्टर यहाँ पर आएगा समझ आ रहा है 67 क्या बोल रहा हूं अगर इसकी एनर्जी हाफ हो जाएगी तभी ना हाफ मैग्नेटिक में जाके स्टोर होगी तो क्यू को क्यू बाई रूट टू कर दोगे तो हो जाएगी हाफ ठीक है तो ये एक्सरसाइज वन कंप्लीट हो गया अब सैटरडे को हम लोग ये माइक ए सी का एक्सरसाइज वन कर लेंगे ना और आज इवनिंग में कैपेसिटर का इवनिंग में जो भी कैपेसिटर का एक्सरसाइज थ्री डिस्कस कर लेंगे ठीक है फिर अब क्लोज कर रहा हूं ना